फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD व्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज है 17 तारीख और दिन है बुधवार और आज है हर छठ की पूजा, यानी कि हल षष्ठी जिसको बोलते हैं, तो आज उसी की पूजा है जो कि बच्चों के लिए होती है, तो उसी की तैयारी करने में लगी हुई थी। तो चलिए देखते हैं आज की पूजा, और भी जो कुछ भी मुझसे सूट हो पाएगा वो सूट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स फटाफट शुरू करते हैं अपने काम। पहले करते हैं पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो पूजा की पूरी विधि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगी इस वाली वीडियो में, तो आप जाके देख लीजिएगा। और अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है, 12:30 बज गए हैं तैयारी करते करते, क्योंकि सुबह खाना बनाना था बच्चों के लिए, गुप्ता जी ऑफिस चले गए हैं, और उसके बाद मैंने नहाया धोया, पूरे घर में पोछा वोछा लगाया ना, आज बाद में लगाया था क्योंकि सुबह पहले कर देते तो फिर मुझे दोबारा करना पड़ता, तो सब साफ सफाई अच्छे से करी है, अब पूजा करेंगे आराम से। तो अभी 12:30 मतलब बज चुके हैं, और अभी कम से कम आधा पौन घंटा मुझे लग जाएगा तैयारी करने में। तो चलिए फटाफट तैयारी करते हैं और फिर पूजा स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए आइए, फॉलो मी। तो देखिए गेहूं भून लिए हैं फ्रेंड्स, गेहूं भून गए और इनको लेके चलते हैं, ठंडे भी हो गए, थोड़ी देर हो गई भुने हुए, तो देखिए ठंडे हो गए, इनको भर लेते हैं चल के। और ये बना लिए हैं ये कटोरे जैसी, इसमें रखेंगे प्रसाद, चावल और महुआ और दही, चावल महुआ और दही इसमें डाल के प्रसाद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर, जहां पे पूजा करनी है वहां पे लेके चलते हैं आपको। ये महुआ के फल है, देखिए भिगो दिए पानी में, और ये चावल भिगो दिए थे। हो चुकी है, मतलब पूजा करने में टाइम नहीं लगता है, तैयारी करने में टाइम लगता है, तो सारी तैयारी मैंने करके रख दी है, अब बस चोटी करने को बचा है और पैरों में महावर लगानी है, बस दो काम बचे हैं वो करके बस फटाफट अभी पूजा कर लेंगे आके, ठीक है। तो अभी चोटी करके आते हैं और साथ में सब लोग मिलकर पूजा करते हैं, ठीक है। उसने एक भैंस पाली थी, उसका नाम नागी था। भैंस सास भैंस की बहुत सेवा करती थी, भैंस बहुत दूध भी देती थी। एक बार सास अपने मायके चली गई, बहू ने भैंस को सेवा करना बंद कर दिया और वह कमजोर हो गई, दूध भी कम देने लगी। एक दिन होके
एक दिन भूख के मारे ना भैंस खूंटा उखाड़ कर जंगल में भाग गई। एक तालाब के किनारे रहने लगी। जब सास वापस आई तो बहू से भैंस के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि जंगल में भाग गई। सास उसी समय भैंस को ढूंढने निकल पड़ी तो तालाब के किनारे भैंस मिली। वह मोटी तगड़ी हो गई थी। जहां वह गोबर पेशाब करती थी वहां पर नारी का साग उगाया था। भैंस के घर लाकर फिर से सेवा शुरू कर दी। वह पहले की तरह दूध देने लगी और तभी से हर छठ के दिन भैंस की दही व नारी का साग खाया जाता है। बांधिन को पुत्र देख निर्धन को माया सब कांतित करे श्री गणेश देव माता जति पार्वती पिता महादेवा। और ये देखिए यहाँ पे मैं आरती करने के बाद ये जो दीपक रखा जाता है ना सूप में, तो इसको जो है सूर्य भगवान को दिखाते हैं, सूर्य भगवान को दिखाया जाता है ये। और इसके बाद मैंने ये सुहाग लिया था, मतलब जैसे सिंदूर लगाना बोलते हैं ना सुहाग लेना, तो जो मैं सिंदूर मांग में लगा रही थी ना वो क्लिप मैंने काट दी, क्योंकि ऐसा बोलते ना सबके सामने इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने वो वाली क्लिप काट दी थी। बाकी सारा कुछ आपको दिखाया है। तो ये देखिए पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद सबको ये जो सूप में प्रसाद रखा है दही चावल और महुआ के फल वाला, सबको फल ये प्रसाद देंगे और पानी वानी पियेंगे, फिर चाय बना के पियेंगे और फिर बाकी के सारे जो काम करने हैं ना वो काम अपने खत्म करेंगे और फिर आगे की देखेंगे क्या शूटिंग हो पाती है। और इसके बाद इनसे सुहाग वग लेने के बाद आखिरी में ये लगाते हैं क्या नाम, जो प्रसाद है ना रखा सूप में उसको जो भगवान को भोग लगाना होता है, तो आखिरी में इसका भी भोग लगाते हैं। लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है कि सुबह 4 बजे ये भोग लगाया जाता है और जैसे पीले रंग के कपड़े से ना भगवान जी को ढक देते हैं, हर छठ माता को ढक देते हैं। फ्रेंड्स पूजा हो गई हमारी, हर छठ की पूजा हो गई। और ये लीजिए प्रसाद, सबसे पहला प्रसाद आप लोगों के लिए, ये लीजिए सब लोग प्रसाद ले लीजिए हर छठ माता का, ये सबको मिल गया फ्रेंड्स। चलिए अब बच्चों को दे देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इधर रखिए नारी, तो आज नारी का साग भी बनाया जाता है, तो इसको भी मुझे अभी इसको भी साफ करके काटना होगा। काटने के बाद इसको अच्छे से धुलेंगे, साफ करेंगे, तब इसका जो है साग बनाएंगे। तो आज वही चावल खाते हैं लाल वाले, और ये नारी का साग और दही यही सब खाया जाता है आज के व्रत में। और ये देखिए पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले चलो साग वाग काट के तैयार कर लेते हैं, इसमें लगता है टाइम, और उसके बाद पियेंगे आराम से चाय। फ्रेंड्स पूजा जब हो गई है, पूजा करने के बाद अब पियेंगे, सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद में कुछ काम करेंगे। तो चाय चीनी वाली तो चाय पीनी नहीं है, तो पियेंगे शहद डाल के चाय बनाएंगे। शहद डाल के तो शहद वाली चाय कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बना के। और शहद को पकाना नहीं चाहिए ना, तो कैसे बनाएंगे चाय वो दिखाते हैं आपको, शेयर करते हैं आज आपके साथ शहद वाली चाय बना। तो ये देखिए शहद की चाय बनाने के लिए फ्रेंड्स उसी तरीके से बनाएंगे जैसे चीनी वाली बनाते हैं, जितना दूध उतना पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे चाय पत्ती डाल के। इसको जितना भी जैसे भी गाढ़ी और पतली आप चाय पीना पसंद करते हो, चाय पत्ती डाल के अपने हिसाब से आप इसको अच्छे से पका लें। और उसके बाद जिसमें जिस बर्तन में आप चाय पियेंगे ना, कप में या फिर गिलास में, उसी में चाय को छान लीजिए, और छानने के बाद इसमें शहद डालिए। तो शहद भी अपने हिसाब से जैसा भी आप मीठा पीना पसंद करें, जैसे ज़्यादा मीठा या फिर कम मीठा, तो शहद डाल के इसको चम्मच से बस मिला लें, बस ये शहद वाली चाय बनकर रेडी हो जाती है। तो चाय पीने के बाद फटाफट मैंने सोचा कि नारी का साग भी छौंक देते हैं। तो नारी का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डाला है, बस 1 से 1.5 चम्मच, और इसी में डाल देंगे नारी का साग और नमक डाल देंगे, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, व्रत में खाने वाला नमक डाल देंगे। बस इसको पका लेंगे ढक के, 2-3 बार चला देंगे, अच्छे से साग भी पक जाएगा, बन जाएगा हमारा। इसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे, जो पसाही वाले चावल होते हैं ना, चावल बना लिए थे। चावल में 2 सीटी लगाते हैं, चावल अच्छे से हमारे पक जाते हैं। तो आज यही खाया जाता है, चावल और नारी का साग और दही, बस यही खाना बनता है व्रत वाला। आज की हमारी थाली ये व्रत वाली थाली है, तो ये पसाही के चावल, नारी का साग और ये ताजा फ्रेश एकदम से घर का जमाया हुआ दही, इसमें डाला है सेंधा नमक, बस यही है आज की थाली। तो ये देखिए फ्रेंड्स व्रत का खाना यही बनता है हमारे यहाँ, ये पसाही के चावल, नारी का साग और दही। तो खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए दही, नारी का साग और ये पसाही के चावल। तो चलिए खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे।
तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 7:30, 7:20 हुआ है, अभी 7:30 हुआ नहीं होने वाला है। तो अब मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने बच्चों के लिए, और गुप्ता जी हैं, मेरा तो व्रत है खाना नहीं है, और मेरा ने व्रत का खाना वहां रखा है उधर, नारी का साग और थोड़े से चावल रखे, अगर मन होगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खाएंगे, उठा के फिर में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने के लिए, और मैं सोच रही हूँ ना इस वाले ब्लॉग का एंड यहीं पे कर दूं, क्योंकि पूजा का सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया दिखाया, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या शूटिंग करूं। तो सब्जी वही आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, आलू टमाटर की सब्जी बच्चे बोल रहे हैं, बिना हल्दी वाली जो बिना मसाले की बनती ना वो वाली बोल रहे हैं कि बना दो सब्जी पराठा, तो सब्जी पराठा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, और इस वाले व्लॉग का करते हैं एंड, और इस वाले व्लॉग में फिलहाल के फिलहाल के लिए इतना ही, क्या बोलती रहती, मतलब मैं बोलना कुछ और चाहती लेकिन बोल कुछ और जाती हूँ। तो इस वाले व्लॉग में फिलहाल के लिए इतना ही, और ये वाला व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दें, जैसा भी आपका मन करे वो कर देना, ठीक है। अगर लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि अच्छा लगा है, अगर डिसलाइक करेंगे तो मुझे लगेगा अच्छा नहीं लगा है आप लोगों को, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, ठीक। इस समय आपको मेरे चेहरे में कुछ चेंज दिख रहे होंगे ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मियों ने मुझे गर्मियों में जब ज्यादा गर्मी होती ना तो जरा सा भी मैं अगर कुछ जैसे तला भुना खा लेती हूँ ना, तो रक्षाबंधन दिन पूरी भी खानी पड़ गई और मिठाई वगैरह भी थोड़ी बहुत खानी पड़ गई, जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई, मुझे नहीं सूट करता है बिल्कुल भी, तो मैं नहीं खाती नहीं हूँ, लेकिन अब कहीं जाते हैं तो खाना पड़ जाता है मजबूरी में। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए ये घाव हो गया, ऐसे छाले हो जाते हैं मेरे, जैसे कुछ ज्यादा तला भुना खा लेते हैं जब हम, तब ऐसे हो जाता है। और इधर का जो ये हिस्सा है ना, गाल वाला जो हिस्सा, अंदर का जो हिस्सा होता है, उधर भी छाले निकले हैं, तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए मैं नहीं जिसे अभी कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन निकलता कुछ और है, तो इस वजह से और दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में, जैसे बोल रही हूँ ना तो दांत लगते हैं ना इसमें ओट में, तो दिक्कत करती है बोलने में, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देने, तो आपको आप सोचेंगे कि क्या अजीब से बोलती रहती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, लग रहा होगा सूज गया है, सब सूजन है यहाँ पे, तो दिखा देखते हैं। एक दो दिन दवाई तो रखी है जो पिछली बार डॉक्टर ने दी थी, वो पर्चा रखा है, तो कल परसों में मंगा लेंगे, क्योंकि समस्या जो दिक्कत ना बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है बढ़ रही है, और वो गरारे करने के लिए दिए थे वो भी सीसी रखी है थोड़ी सी, तो वो भी मैं कर रही हूँ, लेकिन आज तो व्रत के चक्कर में ना दवाई लगाई है ना तो गरारा किया है, तो कल करूंगी, तो एक दो दिन मैं देख रही हूँ, अगर कम हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा से दिखाने जाऊंगी, और अगर दवाई वो चेंज करके देना चाहेंगे तो चेंज करके दे देंगे, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये वाला तो पूरा गाल समझे छाले पड़ गए हैं, और ये ओंठ तो मैंने आपको दिखाई है, और यहाँ ऊपर के हिस्से में भी हल्के दाने जैसे पड़ गए हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ लेकिन क्या करें, समस्या हो जाती है, अब ना कहीं ना खाओ ना, सबको मना करते रहो तो वो भी नहीं अच्छा लगता, कोई इतने प्यार से कहता है कि खा लो और ना खा तो वो बोलेंगे कि एटीट्यूड दिखा रही है, तो ही हो जाता है, मजबूरी हो जाती है हम लोगों के आगे खाना पड़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, इसी खत करते हैं, इस वाले ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए ओके एंड बाय एंड गुड नाइट।